मस्क की शेप 2.2 है, मतलब मस्क 2.2 है आपका। तो उसमें जो पहला सवाल है देखिए यहाँ पर, साबित कीजिए चार गजर दो एक गैर नाते का दादर। अब बच्चों थोड़ा सा ऐसे सवाल आते हैं ना जिसमें हमको जो समझना बहुत जरूरी है। इसमें होता क्या है कि आपको इसको गैर नातिक बताना है। अब जैसे एक मिसाल दूं मैं कि अगर ये गैर नातिक बताना है तो पहले इसके अपोजिट मतजाद फर्ज कीजिए, मतलब इसको अकेला फर्ज कर लेंगे, इससे अलग फर्ज करेंगे। अगर ये गैर नातिक हमको अगर साबित करना है बच्चों तो हम इसको पहले नातिक फर्ज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को झूठा साबित करना है तो पहले उसको सच्चा बता दीजिए, हाँ ये तो आप सच्चे हो। तो इसी तरह यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम इसको गैर नातिक साबित करना है कि चार गजर दो एक गैर नातिक है तो पहले हम इसको नातिक फर्ज करेंगे। तो यही से हम शुरू करेंगे। तो ये सवालात को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्ज कीजिए, थोड़ा सा मैं पेन ले लू, हाँ फर्ज कीजिए क्या कहा मैंने, चार जजर दो एक नाती का दर है। तो ये हमने फर्ज कर लिया, ठीक है, यानी हमको साबित करना है कि ये गैर नातिक है, तो हमने इसका मुतजाद उल्टा फर्ज कर लिया। तो अब लिखेंगे इसके बाहम मुफर्रद आदत, इसके बाहम मुफर्रद आदत ए और बी है, ये भी हम ले लेते हैं कि ए और बी है, इसके बाहम मुफर्रद आदत ए और बी है। तो अब इसको लिखेंगे चार जजर में दो बराबर है ए बटे बी के, है ना, ये नाती का आदत है। तो ए और बी इसके बाहम मुफर्रद आदत है, मतलब ऐसे हमने फर्ज कर लिया इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आपको पता है बी जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है ना, बी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, चार ये जजर दो के साथ जरब में है, जब ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम यहां लिखेंगे जजर दो ऐसे रहेगा ए बटे चार बी, और आप देखेंगे कि ए बटे चार बी एक नाती का अदद है ना, एक नाती का अदद है, और जजर दो एक गैर नाती का अदद है, एक गैर नाती का अदद। जजर में ऐसे आदाद जो जजर के बाहर नहीं निकल सकते, यानी आशारिया में आएंगे लेकिन मजबूत अबे हकीकी आदाद में नहीं आएंगे। तो ये जजर दो जो है ना, इसका जजर मुरब्बा 1. कुछ आएगा, यानी आशारिया में आएगा, ये पूरा बाहर नहीं निकलेगा। फर्ज कीजिए अगर मैं जजर 9 लिखूंगा तो आप बोलेंगे सर इसका जजर मुरब्बा 3 है, तो इसका जवाब 3 आएगा। लेकिन जजर दो का कोई भी जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा 1.4। जैसे ये एक आदाद आया लेकिन ये आशारिया में आया, तो ये आदाद जो है ये गैर नातिक होते हैं। कौन से होते हैं, गैर नातिक, क्योंकि जजर के बाहर नहीं निकल सकते, इसको हम गैर नातिक आदत कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह जजर दो जो है बच्चों, यहां से जजर से बाहर नहीं निकल सकता, जब ये बाहर नहीं निकल सकता तो ये गैर नातिक आदत हो गया। कौन सा आदत हो गया, गैर नातिक। अब मुझे बताइए ए बटे चार भी एक नातिक है, जजर दो गैर नातिक है, तो क्या एक गैर नातिक आदत नातिक आदत के बराबर हो सकता है, क्योंकि बीच में बराबर की निशानी है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नातिक आदत गैर नातिक आदत के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमने जो फर्ज किया था, इसलिए नातिक आदत, इसलिए नातिक आदत, इसलिए नातिक आदत गैर नातिक के मसावी नहीं हो सकता। तो फिर हमने जो फर्ज किया था तो ये नातिक आदत है, ये गलत है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए रूट टू, हम एक नातिक आदत नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, रूट टू जो है फिर नातिक आदत नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है गैर नातिक आदत, है ना। तो यानी ये क्या हो जाएगा, गैर नातिक आदत। तो बच्चों ये हमने यहां पर इसको बता दिए, ऐसी जैसा मैंने यहां पर बताया सेम टू सेम यहीं पर बताएंगे हम। तो फर्ज के लिए क्या लिखेंगे, 3 + 2 = 1 नातिक आदत है, ऐसे ही लेंगे हम।
इसके बाहम मुफर्रद आदात क्या लेंगे, ए और बी है, ए और बी है, तो हम यहां पर लिखेंगे तीन जमा जजर में पांच बराबर ए बटे बी, और मैंने बताया था बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब ये जमा तीन उधर जाएगा तो नफी तीन हो जाएगा, तो इधर बचेगा जजर पांच बराबर ए बटे बी नफी तीन। अब ये देखिए ये पूरा नातिक अदद है, तो हम यहां लिखेंगे ए बटे बी माइनस तीन, एक नातिक अदद है, कौन सा अदद है, एक नातिक अदद है, जबकि जजर पांच गैर नातिक अदद है। तो आप बताइए एक नातिक अदद गैर नातिक अदद के मसावी हो सकता है क्या, तो इसलिए हम लिखेंगे कि हमने जो फर्ज किया था जिसको मफरूजा कहते हैं वो गलत है, बल्कि तीन जमा जजर, सॉरी ये पांच था, देखिए यहां मैंने तीन लिखा हूं, मैं इसको सही कर लू बच्चों, दो लिखा था मैंने, तो ये तीन जमा जजर पांच एक गैर नातिक अदद है। तो बच्चों बस इतना ही आपको करना है कि इसको नातिक बताना है, इसको गैर नातिक बताना है। तो इसके बाहम मुफर्रद अदद आप ए भी फर्ज कर लीजिए, एक्स वाई फर्ज कर लीजिए, फिर उनको बटे में लिखिए। अब इधर जो आदाद है तीन उसको इधर लाएंगे तो नफी में, जैसे यहां पर चार जरब में था तो आया तकसीम में हो गया, तो ये दोनों मसावी जब बता रहा है, जबकि ये गैर नातिक है और ये नातिक है, तो नातिक गैर नातिक के मसावी नहीं हो सकता, इसलिए हमने फर्ज किए थे कि ये नातिक है, ये भी गलत है तो वो गैर नातिक अदद है। यानी हमने क्या किए, झूठे को सच्चे, जो झूठे को झूठा साबित करने के लिए उसको सच्चा फर्ज किए थे, बाद में साबित हुआ कि वो सच्चा नहीं झूठा है, तो इस तरह इसको मुतजाद फर्ज करके हम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, देखिए 2.2 का आपका सवाल है, जजर पांच गजर दस इन आदाद को आदादी खत पर दिखाइए। आप बच्चों इसको हमको आदादी खत पर दिखाना है, तो आदादी खत में पहले बना लू पहले आपके लिए कि यहां पर खत कैसे बनाएंगे हम, फर्ज कीजिए आदादी खत में बना लेता हूं, पहले खत बना लेता हूं मैं, यहां से एक खत बनाता हूं पहले, देखिए ये खत है और इसको कलर देता हूं, अभी इसको तो व्हाइट कलर देना पड़ेगा हमको, दिखेगा ना आपको यहां से, तो मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूं। हाँ ये खत है हमारा, देखिए ठीक है, तो ये खत है, अब इस पर हमको ये अदद खत है, तो मैं इस पर अदद लिख लेता हूं, समझ लो यहां पर मैं जीरो लिख रहा हूं, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, मैं यहां पर जीरो लिख रहा हूं और यहां पर मैं इसको पेन लेता हूं, ये जीरो लिखा मैंने, ठीक है यहां मैंने जीरो लिया, क्या लिया जीरो। अब हमको जजर पांच बताना है, तो पहले आप देख लीजिए मैं एक मुसल्ला लिया, ये कायमा जाविया मुसल्ला है हमारा, अब यहां पर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, क्या नाम देता हूं ए बी सी, ये आपको समझाने के लिए। अब देखिए अगर मैं इसको दो लेता हूं, दो इकाई, और इसको एक इकाई लेता हूं, तो ये जो है ये कायमा जाविया मुसल्लस है, तो इसमें फीसागोरस का मसला लेंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है फीसागोरस का मसला, तो उसमें क्या होता है वितर का मुरब्बा, तो वितर यानी एसी का मुरब्बा इज इक्वल टू बीसी का मुरब्बा प्लस एबी का मुरब्बा, ये फीसागोरस का मसला है और ये कायमातु जाविया मुसल्लस में इस्तेमाल होता है। तो अब अगर एसी मालूम करना है मुझको, तो मैं एसी को ऐसे ही रखूंगा, ये दो का मुरब्बा जमा एक का मुरब्बा, एसी का मुरब्बा, ये दो का मुरब्बा चार होता है, एक का मुरब्बा एक होता है, तो ये हो जाएगा पांच एसी स्क्वायर, और अगर यहां से कुवत हटाऊंगा बच्चों तो जजर में जाएगा, जब एक तरफ से कुवत हटती है तो एक तरफ जजर लगता है, तो ये एसी बराबर जजर पांच हो गया है ना। तो अब हमको जजर पांच बताना है, तो इसी का इस्तेमाल यहां पर अदद खत पर करेंगे, तो फर्ज कीजिए यहां तक एक यूनिट है ठीक है, और यहां तक दो यूनिट है, तो ये जो दो लिया ना मैंने ये बीसी है समझ लो हमारा, अब यहां ओ है, ये नुक्ता जीरो है यहां पर, ये जीरो से दो यूनिट, यहां पर हमने ये एक यूनिट लिया, ये दो यूनिट लिया, अब यहां से आपको एक उमूदी खत खींचना है बच्चों, क्या खींचना है उमूदी खत, तो मैं आपको उमूदी खत बता दू, यहां से आपको एक उमूदी खत खींचना है, इस तरह दिख रहा है ये उमूदी खत है हमारा, इस तरह आप एक उमूदी खत खींचिए, और इसको जो लेंगे हम इसकी जो कीमत रहेगी वो वन यूनिट रहेगी, वन एक इकाई,
ये दो इकाई है पूरा यहां से यहां तक, और ये एक इकाई है, ठीक है। इतना बढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है बच्चों, देखिए जैसे ये मुसल्ला से यहां दो था यहां एक था, तो ये जो अगर मैं यहां से अगर मैं इसको खींचूंगा यहां पर तो ये वितर बन जाएगा, और ये वितर कितने करेगा, जजर पांच का, ये हमको मालूम है, ये वितर कितने करेगा, जजर पांच का वितर रहेगा, है ना, ये आपको समझ जाना चाहिए आसानी से। अब ये जो एक इकाई ये दो इकाई, तो ये जजर पांच का एक वितर रहेगा, तो इसको भी मिला देता हूं बच्चों में, देखिए तो ये जो वितर की कीमत हो गई हमारे पास ये कितनी हो गई, ये जजर पांच हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके आगे इतना बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, आपको प्रकार की नोक यहां रखना है ओ पर, प्रकार की नोक आप यहां रखेंगे ओ पर, और यहां तक फासला लेंगे, मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, है ना, और ये ओ था तो यहां पर मैं ओ कर देता हूं इसको, तो आपके आपको भी समझ में आ जाए, चलिए आपके लिए बेहतर हो गया ये भी, है ना, ये ओ ओ कर दे रहा हूं मैं, तो अब आप समझ में आ जाएंगे, तो ये ओ है ये बी है जजर पांच है, आपको प्रकार की नोक यहां रखना है नुक्ता ओ पर, और ए तक फासला लेना है, यहां तक फासला लेने के बाद आपको एक कॉस इस तरह बना देना है, क्या करना है आपको, फासला लेने के बाद यहां तक फासला लीजिए, ओ पे रखिए प्रकार की नोक, यहां तक फासला लीजिए, मैं इसको भी मिटा दूं इकाई को ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी से, ठीक है। अब देखिए यहां तक फासला लेने के बाद यहां पर आप फासला लीजिए, प्रकार की नोक रखिए, यहां तक फासला लीजिए, और यहां से एक कॉस बनाइए इस तरह, ठीक है। अब कॉस बनाएंगे तो ये जो नुक्ता मिलेगा ये हमारा रहेगा जजर पांच। अब बोलेंगे सर ये जजर पांच किस तरह आ गया, तो मैं बताता हूं बच्चों, देखो हमने यहां पर प्रकार की नोक रखा था और यहां तक फासला लिया था, अगर आप दायरा बनाओगे पूरा इस तरह, मैं बना के बता देता हूं आपको, अगर आप इस तरह दायरा बनाओगे पूरा तो ये दायरे का ये निष्कुत्र रहेगा, और निष्कुत्र कितना है जजर पांच, तो यहां से ये भी तो निष्कुत्र है ना, तो ये फासला कितना हो गया, ये भी जजर पांच, तो नुक्ता पांच जजर पांच यहां पर हमको मिलेगा, समझ में आ गया बच्चों, तो इस तरह ये बनता है, तो यहां पर ये जजर पांच मिला, समझ में आ गया। तो इस तरह हम यहां पर मुसलस लेके हल करके जजर पांच की कीमत इसको बता सकते हैं आसानी से। तो आप यहां पर प्रकार की नोक रखिए और यहां तक पेंसिल रखिए और ऐसा एक कॉस खींच डालिए, तो ये आपको मिलेगा यहां पर, ये नुक्ता मिलेगा आपको जजर पांच। अब बनाना है जजर दस, अब क्या बनाना है जजर दस, तो अब जजर दस किस तरह बनाएंगे बच्चों वो भी देख लीजिए। तो अब ये जो फासला रहेगा, अगर मैं इसी फासले को यहां पर अब हल करके बता दूं आप, ये फासले को मैं तीन लेता हूं, ठीक है, कितना तीन, इसको हल कर दिया, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। अब इस फासले को मैं तीन लेता हूं, इस फासले को मैं तीन और ये एक ही रखता हूं, तो देखिए क्या आएगा, यहां हल करके बताता हूं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए ओ कितना है मालूम करना है, ठीक है, ओ बी कितना है तीन का कुवत दो और ये एक की कुवत दो, तीन की कुवत दो कितनी होती है नौ, जमा ए कितना हो गया दस, ठीक है, ए ओ की कुवत दो। अब अगर हम यहां से कुवत हटाएंगे तो ए ओ मिलेगा जजर दस, कितना मिलेगा जजर दस, यानी अब ये जजर पांच नहीं, ये कितना हो जाएगा जजर दस हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, जैसे आपने दो तक लिया था तो एक फासला और बढ़ा दीजिए यहां पर और इसको ले दीजिए तीन, क्या कहिए तीन, यानी ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन, ये तीन इकाई हो गई है ना यहां से यहां तक, और यहां से फिर एक खत खींचिए आप उमूदी खत, वो एक ही सम लंबाई का होगा, जितनी लंबाई का ये खत रहेगा उतनी लंबाई का ये दोनों खत रहेंगे, क्योंकि ये एक इकाई हम ले रहे हैं, इसको कितना ले रहे हैं एक इकाई, जैसे मैं बता रहा आपको वैसे कीजिए। अब प्रकार के नोक यही रखिए और इसको पहले इससे मिला दीजिए स्केल से, पहले इसको स्केल से यहां पर मिला दीजिए, एक ही खत पर मैं बना रहा हूं तो आप समझ जाइए मैं एक ही खत पर दोनों बना रहा हूं, समझ जाइए इसको मैं मिला देता हूं, सॉरी मैं इसको ये कर दू, हाँ इसको मैंने यहां से ये आप मिला दीजिए, क्योंकि हमको आजादी खत पर बताना है, आप अलग अलग भी बता सकते हैं, एक खत पर भी बता सकते हैं, मैं एक ही खत पर बता रहा हूं। इस तरह मिलाने के बाद आप क्या करोगे, ये मिलाने के बाद आप प्रकार की नोक यहां रखो
और यहां तक फासला लो, कहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक फासला लो, इसको मैं नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, ठीक है, ओके, बी डैश दे दीजिए, जो नाम देना आपको, यहां पर प्रकार की नोक रखिए, यहां तक फासला लीजिए, और प्रकार की नोक ओ पर, फिर से बता रहा हूं, फासला यहां तक, पेंसिल यहां रहना चाहिए, और एक कॉस खींच लीजिए। तो ये जो नुक्ता मिलेगा आपको ये आदादी खत पर, ये रहेगा जजरदस्त, क्योंकि हमने ये जजरदस्त मालूम किए ना, यानी ये दायरा बनाएंगे तो इसका निष्कुत्र जजरदस्त ही आएगा, तो ये नुक्ता यहां पर जजरदस्त मिलेगा, यानी वो दायरे पर। तो इस तरह आपको दो कॉस बनाना, एक जजर पांच का और एक जजर दस का। तो बच्चों ये आपका सवाल था जिसमें आपको बताना था जजर पांच और जजर दस। तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। अब एक इकाई बोले तो कितना, अपनी मर्जी से फासला लीजिए बच्चों, एक सेंटीमीटर मत लीजिए, मैं एक सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक इकाई बोल रहा हूं, और इकाई का मतलब होता है ये फासला अपनी मर्जी से कितना भी लीजिए, जितना ये फासला लोगे एक इकाई का, उतना ही फासला ये दो इकाई करेगा, फिर ये जितना एक इकाई है यहां से एक इकाई बढ़ा दीजिए, ये तीन फासला, मतलब ये तीनों फासले जो मैं बता रहा हूं, एक दो और ये तीन, ये सब एक ही लंबाई के रहेंगे, इसको बोलते हैं इकाई। आप एक सेंटीमीटर में लीजिए, अपनी मर्जी से लीजिए, जब यहां पर ये खत बनाया मैंने, यहां जीरो लिया और अपनी मर्जी से यहां पर लिख दिया जाइए एक इकाई, ये दो इकाई, लेकिन ये फासला और ये फासला, ये दोनों फासले बराबर रहना चाहिए, जब ही इकाई कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर आपको जो है इस तरह जो है आदादी खत पर आप जजर पांच और जजर दस बना सकते हो। जजर पांच बनाने के लिए आपको दो इकाई लेना पड़ेगा, नीचे ऊपर एक ही इकाई रहेगा, ये जो उमूदी खत रहेगा ये एक ही इकाई रहेगा, ये भी उमूदी खत एक ही इकाई रहेगा, जैसे मैंने यहां पर आपको हल करके बताया है। आपको सिर्फ ये खत बढ़ाना है, ये वितरो जजर पांच का हो गया, ये वितरो जजर दस का हो गया, यहां रख के आप ये खींच सकते हैं। तो ये आदादी खत पर आप इस तरह बना सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइनस 0.5 और 0.3। अब इसके दरमियान जो है ना हमको नातिक आधार लिखना है। क्या लिखना है? नातिक आधार। तो पहले ये इसको मैं यहां से शुरू कर रहा हूं हल करना। 0.5 माइनस 0.5 ये पहला आदद है, इसके बाद यहां कुछ आएगा दूसरा आदद, फिर तीसरा कुछ और आएगा, ये दूसरा कुछ और आएगा, तीसरा कुछ आएगा, एक दो तीन यहां लिखना है, और चौथा हमारे पास 0.3। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि यहां पर एक दो तीन ऐसे तीन आदद इनके दरमियान लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, पहला आदद आखिरी आदद लेंगे, पहला नुकता मैं निकाल रहा हूं, माइनस 0.5 प्लस 0.3, मतलब पहले और आखिरी आदत की आपको क्या करना है, जमा करना है, जमा करने के बाद दो से उसको तकसीम कर देना है, तो हमारे पास पहला नुक्ता आ जाएगा। अब देखिए जमा नफी नफी होता है, पांच में से तीन गया, दो डायरेक्ट आप निकाल लिया भाई सर 0.2 बटे दो। अब ये 0.5 बड़ा था इसलिए उसकी साइन लगाएंगे 0.5 की, इसको काट दीजिए दो एक दो, तो आपके पास मिलेगा माइनस 0.1। ये पहला नुक्ता आ गया बच्चों। वो कहां पर आया? वो एकदम दरमियान में आया, 0.1 माइनस 0.1, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का दरमियान में दरमियान का नुक्ता निकाले। अब हमको क्या करना है बच्चों, दूसरा नुक्ता जो हमको निकालना है ना, वो इन दोनों के दरमियान का निकालना है। तो इन दोनों के दरमियान का कैसे निकालेंगे? -0.5 प्लस -0.1 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह हम यहां पर इसके इन दोनों के नीचे नुक्ता निकालेंगे हम यहां पर, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लू, हां देखिए यहां पर। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, उसी तरह हमको करना है, -0.5 आप ऐसे ही रखिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है 0.1 बटे दो। आप मुझे बताइए कि नफी नफी क्या होता है? तो नफी नफी जमा होता है, नफी नफी क्या होता है? जमा। तो 0.5 और 0.1 तो आपके पास आ जाएगा -0.6 अपॉन 2, दो तिया काट दीजिए इसको, तो आपके पास मिलेगा -0.3। अब वो किन दोनों के दरमियान आया? वो इन दोनों के दरमियान आया -0.3। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बता रहा है आपको, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान का यहां पर क्या आएगा वो मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? तीसरा नुक्ता लिखेंगे हम, -0.1 पहला नुक्ता है हमारे पास,
और उसके बाद प्लस करेंगे 0.3 और बटे 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको मिलेगा 3 में से एक गया 2, तो यहां पर मिलेगा आपको प्लस 0.2 है ना अपॉन 2, और प्लस हम लिखते नहीं है तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, मैं सिर्फ बताने के लिए लिखा था आपको। तो 2 × 2 तो हमारे पास मिलेगा 0.1, यहां पर आया 0.1। तो अब वो आदाद कौन से हो गए, तो यहां पर लिखेंगे उनके दरमियान जो नातिक आदाद हो गए वो कौन से हो गए बच्चों, यहां पर हम आसानी से उसको लिख सकते हैं, वो कौन कौन से है, 0.3, 0.2 और आप देखेंगे यहां पर मैं ऊपर कर दे जरा समझाने के लिए आपको, देखिए 1, 2, 3, ये तीन नुक्ते आ गए इसके दरमियान, तो यहां पर लिखेंगे हम जवाब कैसे लिखना है आपको, मैं जवाब बता दूं आप किस तरह जवाब लिखेंगे उसके अंदर, तो आप लिखेंगे 0.3 और -0.5 के दरमियान वाकई क्या नातिक आदाद कौन कौन से है, पहला लिखेंगे -0.3, दूसरा लिखेंगे -0.1 और तीसरा लिखेंगे 0.1। ये आपका पूरा मुकम्मल जवाब हो गया। एक और बताता हूं, देखिए मैं दूसरे वाला सेकंड हम निकालेंगे यहां से -2.33 और -2.3। अब देखिए यहां पर ये दुकान क्यों दिया गया है, तो आप यहां पर गौर करेंगे आशारिये के बाद यहां दो अदद है या एक अदद है, तो आप एक अदद यहां बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन के बाद जीरो कोई मान नहीं रखता क्योंकि आशारिये है ना इसके लिए। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए -2.33 इसके यहां पर एक नुक्ता होगा, फिर यहां पर एक नुक्ता होगा 1, 2 और ये कौमा, ये दो कौमा के बीच में एक नुक्ता हमारा, आखिर में हमारा नुक्ता है -2.30, ठीक है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो आपको जैसे मैंने पहले वाला हल किया सेम टू सेम आपको उसी तरह हल करना है। तो देखिए मैं हल कर रहा हूं यहां पर, क्या करेंगे पहला नुक्ता निकालेंगे, तो पहला नुक्ता मतलब इन दोनों की जमा करेंगे -2.33 प्लस, और ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए -2.30 और बटे में 2। अब इसको हल कीजिए आप, तो आप देखिए ये माइनस है, ये -2.33 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.30 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 0 में 3 अब आपको करके बता देता हूं मैं, 2.33 में आपको 2.30, तो इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस कैसे करेंगे, 3 में 0 मिला 3, 3 में 6 मिला, 3 में 3 मिला 6, आशारिया का आशारिया, तो क्या आया 4.63 अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की लगेगी। अब इसको आप तकसीम कर दीजिए, तकसीम कैसे करेंगे मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आपको तकसीम करते समझ में आ जाए, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं उसको बच्चों में, जो हमारा जवाब आया उसको थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं -4.63 अपॉन 2, 2 × 4 आशारी लगाएंगे, 2 × 3 = 6, अब ये 2 × 1 = 2, यहां से क्या बचा 1 बचा, 0 लगाएंगे, 2 × 5 = 10, तो क्या जवाब आएगा -2.315। ये पहला नुक्ता मिला, यानी इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि हमने इन दोनों को लिए ना, तो इन दोनों के दरमियान में यहां पर आएगा -2.315, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में मालूम करेंगे, पहला और बीच वाला, इन दोनों के दरमियान, तो उन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, उनकी तिरछी ज़रब करेंगे, तो मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं, देखिए यहां पर चलिए दूसरा नुक्ता निकालते हैं हम, सेकंड नुक्ता क्या करेंगे हम, -2.33 पहला नुक्ता था, प्लस अभी जो आया हमारे पास उसको लेंगे -2.315 बटे 2, पहले इन दोनों की हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे, तो देखिए 2.33 प्लस माइनस माइनस 2.315 अपॉन 2,
अब नफी नफी जमा, तो ऐसे ही यहां पर भी नफी कर रहा हूं मैं 2.33। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो लगा सकते आप, यहां 5, यहां 1, यहां 3 और यहां 2, यहां 2 आप जीरो लगा सकते हैं, आगे जीरो के कोई मानी नहीं होते। इसकी प्लस कर देंगे, इसकी प्लस करेंगे, आशारिया का लगाएंगे और ये 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो जवाब आएगा बच्चों वो -4.645 अपॉन 2। अब इसको तकसीम कर देंगे बच्चों, तो तकसीम कैसे करेंगे, 2 × 4 आशारिया ऊपर कर देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 ये नहीं कटते, 2 × 4 एक बचा, यहां पर जीरो लगाएंगे, 2 × 5 = 10। तो क्या जवाब आएगा हमारे पास 2.3225। ये किसके दरमियान आया, तो अब मैं यहां पर बता दूं आपको कि ये जो आया है ये इन दोनों के दरमियान आया, इन दोनों के दरमियान, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ठीक है। अब मैं आखिर में लिखूंगा इसको, मेरे पहले ये मिटा दो बच्चों। अब देखिए यहां पर इन दोनों के दरमियान भी आ गया, अब इन दोनों के दरमियान क्या आएगा यहां पर, तो पहले इन दोनों को लेंगे हम, यहां पर तीसरा नुक्ता निकालेंगे, हमारे पास 2 नुक्ते आ चुके ऑलरेडी, तीसरा नुक्ता निकालेंगे हम यहां पर, तो इन दोनों के दरमियान, तो पहला है -2.315 और प्लस -2.30 अपॉन 2 ठीक है। दोनों की जमा कीजिए, तो पहले मैं सही कर ले रहा हूं, 2.315 माइनस प्लस माइनस माइनस 2.30 / 2। अब यहां पर क्या कीजिए, नफी नफी जमा होता है, दोनों की जमा कर दीजिए। अब यहां पर देखिए आशारे के बाद 3 अदद है, यहां 2 अदद है, आप यहां एक जीरो लगा सकते हैं, तो आप इसकी जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 4.615 माइनस 4.615। इसकी आप तकसीम करेंगे तो 2 × 4 आशारिया ऊपर कर दीजिए, 2 × 3 = 6, अब एक कटता नहीं है, फिर जीरो लगाएंगे ठीक है। अब दोनों साथ में लेंगे तो यहां पर 2 × 7 = 14 और यहां पर बचेगा 1 × 2 = 10, तो हमारे पास आएगा 2.3075। तो ये 3 नुक्ते हमारे पास आ चुके हैं। तो आप जवाब कैसे लिखोगे बच्चों, तो यहां पर आप जवाब लिख सकते हैं कि इन दोनों के तीन नातिक आदाद क्या है, पहला क्या आया था -2.315, दूसरा क्या आया था 2.3225 और तीसरा क्या आया, यहां पर माइनस लगाना भूल गया बच्चों, यहां भी माइनस लगाना भूल गया, माइनस तीसरा आया -2.3075। तो इस तरह आप यहां पर जो है बच्चों तमाम नुकात मालूम कर सकते हो आसानी से ठीक है। तो ये दो मैंने 1 और 2 करके बताया, अब आप ये 2 अपना होमवर्क कीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मच कंप्लीट होती है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए।